हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे चैनल में। और यार बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ मैं, सॉरी उसके लिए भाई, इतने दिन से वीडियो ना बनाने के लिए। तो वो सब बाद में बात करेंगे भाई, क्यों नहीं वीडियो आ पा रही थी। आज हम लोग खेलने वाले हैं एक नया गेम जिसका नाम है पोकेमॉन ए फारफेच स्टोरी। तो इसमें अपने को फारफेच की कहानी प्ले करने को मिलेगी। और पिछली बार भाई जब मैं वापस आया था तो मैंने एक पुराने गेम से शुरू किया था, तुम लोग को याद ही होगा। इस बार मैंने सोचा भाई अब की वापस आ रहे हैं, क्यों ना किसी नए गेम से स्टार्ट किया जाए। तो भाई छोटा सा गेम है, हम लोग खेलने वाले हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा ही खेला है, पूरा नहीं खेला वरना इंटरेस्ट चला जाता मेरा खेलने का, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही खेला। बहुत ज़्यादा बड़ा गेम नहीं है मैंने इसे पता किया है, तो स्टार्टिंग के लिए बढ़िया है भाई, और भी नए नए गेम्स आते रहेंगे। तो भाई बिना देर के शुरू करते हैं गेम को। म्यूजिक तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे भी सुनने से। तो फारफेच भाई अपने सामने दिख रहा है भाई, देखो। और हाँ मैं तुमको इससे बताना भूल गया कि इस गेम को तुमको कहाँ पर खेल सकते हो तुम लोग। यार जॉय प्ले एमुलेटर पर अपने खेल सकते हो इसको। और अगर तुमको नहीं पता कि जॉय प्ले एमुलेटर में कैसे गेम को चलाते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी फायर ऐश वाली, तुम लोग वो वीडियो देख लेना। उसमें मैंने जैसा कि प्रोसेस बताया तो वैसा ही सेम टू सेम इसमें करना। बट एक चीज़ याद रखना भाई कि फायर ऐश की जगह तुमको ये वाला गेम डाउनलोड करना पड़ेगा। इसकी मैं तुमको डाउनलोड लिंक या फिर डिस्कॉर्ड पर डाल दूंगा मैं, ठीक है। डिस्कॉर्ड पर तुम लोग जाके ले सकते हो। तो भाई धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या हैं। सबसे पहले तो म्यूज़िक टेक्स्ट स्पीड में थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, बैटल इफेक्ट ऑफ कर देता हूँ भाई, टाइम फालतू जाता है। अब बैक करते हैं, चलो चलो भाई न्यू गेम स्टार्ट होने जा रहा है मेरा, तो शुरू करते हैं। और भाई बहुत टाइम बाद बोल के मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है अभी तो। लेकिन ओ फारली नाम लिखा है, ग्रीटिंग्स भाई, ये कह रहा है भाई, हेलो कह रहा है अपने को। ये फारफेच फारली इसका नाम है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो भाई खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहता है ये। आई एम फारली द फारफेच। ओ भाई फारली नाम इस फारफेच का। आई लिव ऑन दिस फार्म ऑल बाई माई सेल्फ, तो भाई अपने पूरा ये पूरा भाई क्या कहते हैं उसको, पूरा इसका इसी का है पूरा ये फार्म। आई इन्जॉय फार्मिंग, क्राफ्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लेइंग वीडियो गेम। भाई वीडियो गेम भी खेलता है फारफेच भाई, बहुत बढ़िया। इट्स द परफेक्ट लाइफ, सही बोला भाई, परफेक्ट लाइफ है भाई वीडियो गेम खेलने से। आई गेट टू डू वट एवर आई वॉन्ट एंड नो वन कैन डिस्टर्ब मी, भाई जो मर्जी करता है करता है भाई, इसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। ओहो बहुत मस्त है भाई ये, क्या एक और फारफेच आ गया इधर। तो इसका नाम शायद फैरो है, फैरो कर रहा है हे ओ फारली। भाई अपना फारफेच तो गुस्से में हो गया, देखो भाई साइड में राइट साइड टॉकिंग टू योरसेल्फ अगेन। भाई लग रहा है कि ये फारफेच अपने आप से बात कर रहा था, असल में भाई फारफेच तो अपने से बात कर रहा था। एक सेकंड यार, फारफेच फारफेच मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, तो इसको मैं फारली बोलूँगा, इसको फैरो बोलूँगा जो दूसरा वाला है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो फारली बोल रहा है, वाट डू यू वॉन्ट फैरो, क्या चाहिए तुझे। फैरो कह रहा है वी आर गोइंग ऑन अनदर एडवेंचर ऑफ कोर्स, तो भाई ये किसी एडवेंचर पर जा रहा है ये फैरो। लास्ट टाइम यू सेड यू आर टू बिजी प्लेइंग मिस्टर मीम स्वीपर, ओहो तो भाई कोई गेम खेलने में बिजी था अगली बार अपना फारली। फैरो कह रहा है हाउ लेम, यू हैव टू गो विथ मी दिस टाइम, तो कह रहा है मेरे साथ चलो फारली। फारली कह रहा है, फारली भाई अपना एकदम से थोड़ा भाई वो टाइप बंदा लग रहा है, देखो भाई क्या बोलते हैं उसको, चैड वाला बंदा जैसे होता है। आई एम टेरिबल एट फ्लाइंग, तो भाई कह रहा है मैं उड़ने में बहुत बेकार हूँ फारली अपना। फारली जस्ट गो बाई योर सेल्फ, कह रहा तुम खुद से जाओ मुझे नहीं जाना। फैरो कह रहा इट्स नो फन एडवेंचर ऑल अलोन, मुझे अकेले मज़ा नहीं आएगा ये कह रहा है भाई। फैरो कह रहा आई टेल यू देयर से ब्यूटिफुल बीच ऑन सो फार अवे फ्रॉम हेयर यू वॉन्ट रिग्रेट इट, तो भाई फैरो मनाने की कोशिश कर रहा है फारली को कि भाई मेरे साथ चल चलो हर तरीके से। लेकिन फारली कह रहा है चलो भाई ठीक है बीच पे जाने के तो चल ही देते हैं। फारली जस्ट डोंट मेक मी फ्लाई प्लीज, तो कह रहा भाई मुझे उड़ने को मत करना बस। वो लेट्स गो, भाई खुद ही उड़ गया हो तो। ये देखो भाई फारली गुस्सा हो गया भाई, आई सेड नो फ्लाइंग, मैंने कहा उड़ना नहीं है। लो भाई क्या हुआ, आप ये सोच रहा है कुछ, दिस इज वाई आई से स्टे इनडोर्स, कह रहा इसलिए मैं घर में ही रहता ज़्यादातर। तो भाई ये भी उड़ के चला गया है। तो कहानी अपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है भाई, तुमको बताते जाऊंगा मैं। फारली कह रहा है फैरो कह रहा है अरे यार शांत रखो, ठंडी रखो, थोड़ा ठंड रखो। फैरो कह रहा है वी विल बी देयर इन नो टाइम, जल्दी पहुंच जाएंगे, कह रहा है फैरो 30 मिनट की बात है बस। लेकिन फारली अपना गुस्से में है थोड़ा कि भाई झूठ बोल के अपने को लेके आ गया यहाँ पे, जहाँ पे बारिश भी होने लगी। ओह ये क्या भाई, वाई इज इट सडनली रेनिंग, भाई ये बारिश क्यों स्टार्ट हो गई अचानक से। ये भाई अब इतना हंसता रहता भाई फैरो में से, इसको कोई टेंशन नहीं रहती फैरो को, देखो भाई कितने मस्त में है। आई कैंट हियर यू, कैन मैं सुन नहीं सकता तुझे मैं,
अगर उसको सुना नहीं दे रहा भाई, बारिश बहुत तेज हो रही है। फाली कह रहा, मैंने कहा वाई इज इट आई कांट आई एम। तो भाई अपना फार्ली एकदम थक चुका है भाई उड़ते उड़ते। और भाई देखो भाई इसकी आंखें थोड़ी सी वो हो रही है, मतलब चक्कर आ रहे हैं इसको। ओ भाई क्या हुआ, ये अंधेरा हो गया भाई एकदम से। खैर चिल्ला रहा है भाई, कुछ क्या हुआ क्या भाई यहाँ पर, कुछ समझ में नहीं आया मुझे अभी तक तो, क्या हो रहा है। प्रोलॉग, तो भाई ये अपना शायद शुरू होने वाला प्रोलॉग। प्रोलॉग मतलब यार इसको तुम लोग एपिसोड 0 कह सकते हो, ठीक है। अभी एपिसोड 1 अपना स्टार्ट नहीं हुआ है, एपिसोड 0 ये। फार्ली भाई चक्कर खा के यहाँ नीचे गिर गया देखो। अरे भाई क्या हुआ, उठ जा अब। कह रहा है मैं कहाँ पे हूँ भाई, याददाश्त तो ठीक है ना तेरी। माई राइट लेग, इसका क्या हुआ भाई, इसके दाएं पैर में अगर चोट लगी भाई। हाँ भाई आसमान से गिर गया बहुत तेज से, ये चोट लगेगी पक्का इसको, कुछ सोच रहा है ये। व्हाट वॉज दैट सडन स्टॉर्म, तो भाई अचानक से तूफान कैसे आ गया था, सोच रहा है भाई। यार वहाँ तूफान बहुत तगड़ा था, बारिश हो गई तूफान आ गया, उदास लग रहा है भाई बहुत ही है। सोच रहा है फैरो कहाँ है, लेकिन पैर में भी इसके दर्द भी बहुत हो रहा है भाई। आई नीड टू गो फाइंड हेल्प, तो इसको मदद चाहिए किसी की। तो चलते हैं भाई हम लोग, अब हम लोग प्ले कर सकते हैं भाई। देखो मैंने यहाँ फारफेच बन गया हूँ भाई, मैं प्ले कर रहा हूँ बढ़िया से। तुम लोग खेलना भी बहुत बढ़िया मुझे तो लग रहा है अभी तक ये गेम खेलने से, मुझे स्टोरी भी अभी तक ठीक लगी इसकी। तो तुम लोग यार डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लिंक तुमको मैं डिस्कॉर्ड पर दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं भाई यार चैनल पर नहीं दे सकता भाई, खतरा रहता है बहुत ज़्यादा मुझे। तो ये कहाँ जा रहा है, आगे जाना है क्या? तो मुझे डिस्कॉर्ड से डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है। बाकी सब तो प्रोसेस सेम वाला है। ग्रीन लीफ वाटर्स ये जगह का नाम है भाई, क्या भाई ग्रीन लीफ वाटर्स लिखा था क्या, कि और कुछ लिखा था, एक मिनट देखता हूँ। ग्रीन लीफ वाटर्स ही है ये जगह का नाम है। ग्रीन लीफ वाटर्स डजेंट रिंग अ बेल, देयर्स गोटा बी ए टाउन नियर बाई। तो भाई सोच रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई आसपास कोई टाउन होना चाहिए भाई, कोई टाउन दिख नहीं रहा यहाँ पर। वाइल्ड पोकेमोन ना आ जाए कहीं भाई, पोकेमोन तो कोई अपीयर नहीं हो रहा। लेकिन हम लोग फायरफेज बन के पूरा खेल रहे हैं एकदम अलग स्टाइल में। टिप कुछ यहाँ पे लिख के आ रहा है, द ग्लोइंग टाइल्स आर डायलॉग टाइल्स, स्टेप ऑन देम टू एक्टिवेट डायलॉग्स और कट सीन्स। वो भाई यहाँ पर जो चमक रहे हैं ना भाई, अगर इस पर हम लोग चलेंगे तो अपने को कुछ यहाँ पर स्टोरी दिखाई जाएगी छोटी सी। चलो भाई देखते हैं कौन सी स्टोरी है, तो देखते हैं स्टोरी क्या है भाई। फाली कर, ओ आई कांट जंप ओवर दैट, माई लेग इज इन पेन। कह रहा मैं कूद नहीं सकता वहाँ पर, मेरा पैर बहुत मतलब पैर में चोटी लगे बहुत ज़्यादा ये। बट आई हैव टू क्रॉस इट सम हाउ, बट मुझे यार क्रॉस करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। बीच में तुमको जगह दिख रही होगी छोटी सी, इसको क्रॉस करना है इसको। यहाँ पर एक पेड़ भी छोटा था। आई नो आई विल चॉप दैट ट्री डाउन एंड मेक अ स्मॉल वुडन प्लैंक। तो भाई लगता है हम लोग इस ट्री को काट सकते हैं। हाँ भाई हम लोग ट्री को काट सकते हैं, चलो काटते हैं ट्री को। खट खट कर रहा है भाई, जैसे वुड प्लैंक मिल गया अपने को। वाओ लकड़ी का भाई मिल गया, चलो इसको तो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं शायद, आई होप, देखते हैं। हाँ भाई ऑप्शन आ रहा है लगाने का, चलो। वाह बहुत सही, चलते हैं भाई आगे। वाह यार ये तो ये बढ़िया भाई, अपने पर पावर मिली हुई है फारफेच बन के। फारफेच भाई क्या क्या कर सकता है, देखो फारफेच क्राफ्ट करने में बहुत बढ़िया रहता है ना, इसके पास जो ये स्टिक रहती है बहुत बढ़िया रहती है ये हर चीज़ के लिए। पेंटिंग भी करता है यार ये वैसे ही मेरे ख्याल से, हाँ मुझे सही पता नहीं है बट करता ही होगा। देखते भाई यहाँ पर एक बॉल भी है, पोके बॉल तो नहीं लग रही है, पोशन है। वैसे भी भाई पोके बॉल का क्या करेगा, उसके तो दूसरे आइटम्स चाहिए। दिस इज नाइस बट दिस वॉन्ट हेल्प माई लक अनफॉर्चुनेटली। अपने को पोशन मिल गया भाई, जिससे कि अपने को फ़ायदा रहेगा अगर कोई भाई पोकेमॉन वाइल्ड में अपीयर हो जाता है तो। बट इसके पैर में चोट लगी है तो पहले उसका इलाज ढूंढना है मुझे। यहाँ पर कहाँ रास्ता भाई, कहाँ जाना है, अभी तो प्रोलॉग ही चल रहा है अपना। यहाँ पे एक पोकेमॉन दिख रहा है भाई मुझे, इसे लड़ना ना पड़ जाए कहीं मुझे। ओ भाई तो आ गया, गेट आउट ऑफ माई वे, क्यों चिल्ला रहा भाई इतना तेज, अब इसको क्या हो गया भाई। ये तो कौन सा पकवान, जिग जगून है यार ये तो, लेवल 15 का है। अपने पास कौन से मूव हैं, पैक लीर रॉक स्मैश, रॉक स्मैश यूज करता हूँ भाई। भाई आते ही उसने हमला कर दिया मेरे पे भाई, इतना मतलब इतना तेज़ी से दौड़ के मैं समझ भी नहीं पाया भाई कि पकवान भाई इतना तेज़ी से लड़ने आ रहा था। वो देखो भाग गया, वेट कम बैक, ये चिल्ला रहा भाई रुक जा मेरी मदद तो कर दे, भाग गया वो। यहाँ पे एक और पोके बॉल है,
एक और आइटम है भाई, पोकेबॉल नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि पोकेबॉल यहाँ पर क्या करेगा पोकेमोन। तो चलते हैं भाई आगे और देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पर फिर से कोई स्टोरी चलने वाली लगता है भाई। देखो ये आ गया है, ये कह रहा है मैं दौड़ना चाहता हूँ। दिस स्टूपिड लगेज किलिंग मी, तो भाई इसके लेकिन पैर में चोट लगा है, कैसे दौड़ेगा, बहुत उदास है भाई अपना फारली। दिस इज ऑल फैरोज फॉल्ट, कह रहा है भाई सर ये सब फैरो की गलती है, सारे उसको छोड़ेगा नहीं मैं, फैरो मिल जाए तो उसको अपने डंडे से जो मार मार के एकदम सही कर दूंगा। फिर से टिप यहाँ पे दे रहा है, यू गेन लिटिल मनी फ्रॉम बैटल्स स्पेंड वाइजली, आई डोंट केयर अबाउट मनी, जस्ट टेल मी वे आर द नियरेस्ट टाउन एज, आई एक्चुअली डू केयर हु एम आई कडी। तो भाई अपने को पैसे मिलेंगे अगर हम लोग लड़ाई करेंगे तो, और पैसे की तो अपने को ज़रूरत है ही। यहाँ पर भी पोकेमोन दिख रहा है, इससे बच के निकल लेता हूँ, देखता हूँ बच पाता हूँ कि नहीं मैं। अबे नहीं बच पाया यार, ये कौन सा पोकेमोन है? अरे भाई तो वो है स्टॉर्म, स्टॉर्म काम डाउन द स्टॉर्म इन द डे जैसे गो, ये सब पोकेमोन बहुत ज़्यादा उसमें है भाई, गुस्से में अचानक से आ जाते हैं हमला करने, पता नहीं क्यों। सेंट्रेट है हाँ भाई, अपने पास लेवल 15 का है, तो अपने पास लेवल 15 का रॉक स्मैश देता हूँ, क्योंकि अभी तगड़ा मूवी है। हाँ भाई बहुत सही, इन सब पर इफेक्टिव काम कर रहा है ये, बहुत सही। अपना पोकेमोन लेवल 16 तक पहुँच गया है। स्टॉप डोंट रन अवे, वेयर द नियरेस्ट टाउन, स्टॉर्म स्टॉर्म, भाई सब लोग, ये हुआ क्या भाई इन सब पोकेमोन को? लगता है ये सबको स्टॉर्म की वजह से इन लोगों को कुछ हुआ है भाई। आई गेस दैट स्टॉर्म वॉज रियली डिस्ट्रप्टिव, भाई उस तूफान के चक्कर में लग रहा है ये लोग भी यहाँ पर सब खो गए हैं, बहुत सारे पोकेमोन, पता नहीं। अभी अभी तो प्रोलॉग चल रहा है भाई, मतलब अपना तो इंट्रोडक्शन चल रहा है एक तरीके से। यहाँ पर एक टेंट भी है, ओ ए टेंट, आई विल टेक ए शॉर्ट रेस्ट हेयर, यहाँ पर हम लोग रेस्ट ले सकते हैं क्या भाई टेंट के अंदर? उत्तरी देखते हैं जरा, हाँ भाई रेस्ट ले सकते हैं हम लोग, बहुत सही यार, ये तो एक तरीके से पोकेमोन सेंटर का काम कर रहा है बिल्कुल। नहीं अब नहीं लेना, एक बार ले लिया। और यहाँ पर भी कुछ रखा हुआ है, सुपर पोशन, बहुत सही यार, सही चीज़ मिल रही है। चलते हैं भाई देखते हैं भाई स्टोरी कहाँ बढ़ रही है, हम लोग तो चलते ही जा रहे हैं बस, पोकेमोन से लड़ते रहो चलते रहो। ये प्रोलॉग, भाई ये भी आगे जल्दी दौड़ कर, माई नेस्ट इट्स ऑल रुइंड, तो भाई ये भी पोकेमोन चिल्ला रही है कि भाई मेरा घोंसला टूट गया पूरा उस स्टॉर्म में, इसका घोंसला भी टूट गया भाई, बहुत बुरा हुआ इसके साथ तो। चलो भाई इन सबको जल्दी हराता हूँ मैं पहले भाई, लेकिन जहाँ कहाँ रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आया मुझे। हाँ अपना फारली ढूंढ रहा है कोई टाउन जहाँ पर भाई वो अपना पैर ठीक कर सके, पोकेमोन सेंटर ढूंढ रहा है एक तरीके से कहो तो। अपने को पोकेमोन सेंटर ढूंढना है, ओके ओके ब्रो चलते हैं। यहाँ पे यहाँ पे एक ट्री है, इसको भी कट कर लेता हूँ, पता नहीं भाई ये वुडन प्लैंक का पता नहीं कहाँ यूज पड़ जाए फिर से। एक नहीं यार दो ट्री है, एक और ट्री है, इसको भी कट करता हूँ, बहुत सही। अपने पास दो वुडन प्लैंक आ गए हैं, जो कि मैं एक यहाँ पे लगाऊंगा, और चलते हैं यहाँ से आगे। और दूसरा कहाँ लगाना है भाई? ओ तेरी, यहाँ से कहाँ जाना है? यहाँ पे लगाना तो नहीं है, एक सेकेंड, हाँ भाई यहाँ लगाना है। चलो यहाँ पर भी एक पोकेमोन, भाई तो बेडूफ लग रहा है मेरे को देखने से, इन लोगों पोकेमोन को बहुत बढ़िया करके रखा हुआ है भाई, दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। तो भाई ये भी पूछ रहा था मैं कहाँ हूँ, सब पोकेमोन खो गए भाई हमारे तरीके, लेकिन अपना फारली तो भाई तुमको पता ही है एकदम से चैट वाला बंदा है, तो इसको उतना डर नहीं लग रहा, ये बढ़िया से चले जा रहा है। अरे भाई तुम लोग को डर लग रहा है तो मुझ पर हमला क्यों करें, मेरी मदद करो ना, पोकेमोन पोकेमोन भाई दोस्त होते हैं ना, पोकेमोन पोकेमोन क्यों लड़ाई कर रहे हैं आपस में? ये सारे पोकेमोन पता नहीं क्यों भाई मेरे हमला करने पीछे पड़े, मुझे मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। चलो भाई भाग गया वो भी, चलते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड जरा मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कुछ कि नहीं। हाँ मैं यहाँ पर, मेरे पास पोकेमोन में हेल्थ थोड़ी सी कम है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ी सी ही कम है। यहाँ पर भी एक भाई मेरे को मैरियल दिख रहा है तो देखने से, और तेरी ये भी आ गया भाई, वेयर इज माई फैमिली, इसकी फैमिली भी खो गई भाई, ये बच्चा भी मतलब बिछड़ गया भाई अपने फैमिली से लगता है, एजुरियल है सॉरी, मुझे लग रहा है मैरिल है इसको भी भाई, भाई बच्चे को मारना पड़ रहा है मुझे, बताओ तो बुरा लग रहा है, बेबी पोकेमोन है ये, जल्दी जाए भाई तो अपने माँ बाप के पास जा, अभी तक तो फाइट ही चल रही है भाई, देखते हैं भाई कितना आगे तक के फाइट ही करने अपने को। आई फील बैड फाइटिंग दीज पोकेमोन,
बट दे अटैक मी फर्स्ट फॉर नो रीज़न। सही बात है भाई, मुझे बुरा लग रहा है भाई इन लोग से लड़ने के लिए, लेकिन क्या करो भाई, ये लोग हमला कर रहे हैं ज़बरदस्ती मेरे पास आकर के। मेरे पास कोई वो भी नहीं है रेपल कि यहाँ पर यूज कर लूँ मैं। अगली बार से रेपल खरीद लूँगा भाई, बढ़िया रहेगा। लेकिन पता नहीं रेपल इन पर नहीं काम करेगा भाई। रेपल रेपल तो ग्रास में पोकेमोन रहते हैं, उन पर काम करता है। पीचा बेरी मिल गई अपने को, जो कि अपने पोकेमोन की हेल्थ को रिकवर करने में काम आएगी। चलो बढ़िया है। और इधर क्या है, इधर भी पीछा भी रही है। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है यार, रेस्ट भी ले लिया हम लोगों ने। और एक सेकेंड, यहाँ से उतरना है। आगे भी लगता है मेरे को कोई स्टोरी चल रही है। चलो देखते हैं भाई, इधर भी कोई स्टोरी चल तो रही है मेरे ख्याल से। भाई वहाँ पर देखो कुछ सारे पोकेमोन हैं। एक सेकेंड, स्टोरी कोई शुरू होने वाली है। कुछ पोकेमोन दिख रहे हैं मेरे को वहाँ पर। क्या बात हो रही है भाई, चलो देखते हैं स्टोरी देखते हैं। आज के एपिसोड में ज़्यादा बड़ा नहीं रखने वाला हूँ भाई। ये रो रहा है पोकेमोन, इसे क्या हुआ, उदास लग रहा है। ओ प्लीज़ डोंट डू दिस, तो कह रहा है ऐसा मत करो इन पोकेमोन से, कह रहा है ऐसा मत करो। दैट्स आइटम मीन्स लॉट टू मी, लग रहा है इन लोगों ने इसके आइटम, किसी खास आइटम को चुरा लिया भाई। वो कह रहा है ऐसा मत करो, मेरा आइटम है वो, यू कैन टेक एनी थिंग बट दैट। तो भाई इसका लग रहा है कोई कीमती आइटम इन लोगों ने चुरा लिया है या फिर ले लिया ज़बरदस्ती। रॉक रफ है ये, रबिश कह रहा है, लुक लाइक जंक टू मी, तो कह रहा है मेरे लिए तो कचरा ही है सब, मेरा फेवरेट कचरा। फैंटम भी है भाई, सब हंस रहे हैं, सब गुंडे पोकेमोन लग रहे हैं मेरे को। यहाँ पर तो गुंडों वाली लड़ाई चल रही है। फाइट अस इफ़ यू वांट इट सो बैडली, आई डोंट वांट टू स्टार्ट अ फाइट। लेकिन रॉक रफ लड़ना नहीं चाहता, प्लीज़। अरे भाई रोने लगा ये तो रॉक रफ अपना, प्लीज़ कह रहा है मैं मतलब वो हाथ जोड़ता हूँ। ओ नो द रॉक रफ इज़ गोइंग टू क्राई, तो कह रहा है रॉक रफ रोने वाला है लग रहा है। वाट शुड वी डू, ही इज़ गोना टेल अस ऑन, टेल ऑन अस। तो भाई बहुत बुरा लग रहा है भाई मुझे तो ये देख करके। फार्ली भी भाई गुस्से में आ गया, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। कह रहा है आई डोंट केयर टू बी ए बेबी स्टैंडर बट आई रियली नीड टू हील माई लेग, नहीं सॉरी, आई डोंट वॉन्ट टू बी ए बाई स्टैंडर बट आई रियली नीड टू हील माई लेग। तो भाई कह तो रहा है कि मदद करना चाहता हूँ मैं, बट मेरे पैर में पैसे चोट लगी, कैसे मदद करूँ भाई। कह रहा है सॉरी यार, मैं मुझे जाना होगा। भाई मदद कर दे भाई, फार्ली क्यों जा रहा है वो। भाई रुक गया फार्ली अपना, ठीक है भाई, फार्ली ने अपनी बात सुन ली। चलो हे तुम दोनों हट जाओ यहाँ से। भाई रॉक रॉक कहो भाई, इतना जोश में आ गया है, क्या तुम मुझे बचाने आए हो फार्ली। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या अभी एक दूसरे को, पहली बात तो यस, बट आई एम मेकिंग दिस क्विक, आई डोंट हैव टाइम। तो भाई अपना फार्ली जल्दी में तो जल्दी में इन लोग को हरा के निकलेगा। ओ आर यू हेयर टू थ्रो अवे योर ट्रैश एज वेल, है। तो भाई ये लोग और खुश हो गए भाई, दोनों पोकेमोन गुंडे वाले, कि अब तेरा भी सामान चुरा लेंगे हम लोग। चलो कह रहे तू लड़ना चाहता तो आ जा, चल भाई हो ही जाए 1-on-1 आज। हेयर वी गो बैटल टाइम, चलो भाई आज हो ही जाए बैटल। तो रॉक रफ भी कह रहे मदद करेगा मेरी, चलो हो जाए फाइट फिर। आई होप यू लाइक पॉइजन, तो भाई ये तो पॉइजन वगैरह छोड़ने वाला अपने ऊपर। फार्ली ट्रविश, तगड़ी फाइट होने वाली भाई आज तो। एक बैटल हो चुका है शुरू। अपने पास एक ही पोकेमोन है क्या? नहीं मतलब मैं एक ही हूँ और अपने साथ है रॉक रफ है, उधर है ट्रविश और फैंटम। मैं यूज करूँगा भाई, क्या यूज करूँ, लाइक फ्यूरी कटर यूज करूँ क्या? नहीं यार रॉक स्मैश यूज करता हूँ, फैंटम पर यूज करता हूँ मैं। देखते हैं काम करता है कि नहीं। ओह शिट, एक बार और यूज करते हैं हम लोग। पॉइजनेट कर दिया भाई इसने तो मुझे। ओह शिट, नो 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 नो, लिस को हराना हो किसी तरीके से मुझे। भाई पॉइजनेट कर दिया उसने मुझे थोड़ा सा। भाई फैंटम तो गया, वही बचा है ट्रैविस बचा, इसको किसी तरीके हरा दूँ मैं तो काम बन जाएगा अपना। बहुत सही थोड़ा सा बस। ओह शिट, नो 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 नो, भाई मैं पॉइजन से हर्ट हूँ तो मुझे यूज करना चाहिए सुपर पोशन। पोशन यहाँ पर काम नहीं करने वाला भाई, रॉक रफ के अटैक क्यों मिस हो रहे हैं सब साले, समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन पॉइजनेट भी हो रखा हूँ मैं। एक सेकेंड, इस पर रॉक स्मैश यूज करूँ क्या, देखते हैं काम करता है कि नहीं। वो भाई काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। बहुत सही, हम लोगों ने हरा दिया भाई दोनों गुंडे वाले पोकेमोन को, यानी क्या कहते हैं इनको, जो गैंग बना के आए थे भाई अपने रॉक रफ को परेशान करने। वो भाई दोनों, ये देखो रॉक रफ, ये हम जीत गए।
ट्रेविस को देखो मुंह कैसे बनाया हुआ है। इसको भी चोट लग गई भाई। रिटर्न हिम दैट आइटम एंड गेट आउट ऑफ हेयर। तो भाई फार्ली यहाँ पर गुस्से में कह रहा है जल्दी आइटम दे या निकल यहाँ से तुम दोनों, यू विल पे फॉर दिस। ट्रेविस कह रहा है तुम लोग को मैं छोड़ेंगे नहीं, वी विल गेट यू नेक्स्ट टाइम, कह रहा अगली बार बदला जरूर लूँगा। ट्रेविस देखो भाई मुस्कुरा रहा है, डरावनी हंसी है भाई वाली, अगली बार भी बदला लेने आएगा। रॉकरफ कह रहा है तुमने मुझे बचा लिया, मैं बहुत खुश हूँ। फार्ली कह रहे कोई बात नहीं, नाउ व्हाट व्हाट दैट आइटम। तो कह रहे भाई अच्छा बताओ तो जरा मुझे वो आइटम था कि जिसके लिए तो इतना परेशान था। दिस शाइनी रॉक आई फाउंड अर्लियर टुडे। भाई एक चमकता हुआ पत्थर था कह रहा है उसके लिए ये परेशान था तब से। फार्ली कह रहा है आए क्या तू मजाक कर रहा है क्या, ओ मैं बहुत खुश हूँ कह रहा है, यू आर माई हीरो। साला फार्ली गुस्से में, साले तूने एक बेवकूफ़ से रॉक के लिए मुझे इतनी देर लड़वाया, कितना टाइम बर्बाद कर दिया मेरा कह रहा है। आई कलेक्ट रॉक फॉर अ लिविंग, तो कह रहा है मुझे रॉक कलेक्ट करना बहुत पसंद है। लुक एट दिस वन इट शो साइनी, कह रहा है बहुत चमकीला ये वाला देखो पत्थर। आई शुड हैव जस्ट लेफ्ट, कह रहा है मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से। फार्ली गुस्से में आएगा दिस इज वाई आई चूज टू बी अलोन, कह रहा है इसलिए मैं अकेले रहता हूँ। ओ डोंट से दैट आई हैव टू रीपे यू सम हाउ। भाई रॉक रफ कह रहा है भाई ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारा बदला चुका दूंगा किसी तरीके से, तुम्हारी मदद कर दूंगा। फार्ली कह रहा है मुझे बस बताओ कि कहाँ पर, यहाँ पर सबसे पास में कौन सा टाउन है, मुझे चोट लगी हुई है। आई इफ़ यू कीप गोइंग ईस्ट दो ग्रीन लीफ फॉरेस्ट यू विल रीच ग्रीन लीफ विलेज। तो भाई ग्रीन लीफ फॉरेस्ट से हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम लोग को ग्रीन लीफ विलेज मिलेगा। तो भाई विलेज है तो मतलब वहाँ पर ज़रूर पोकेमॉन सेंटर होगा कोई ना कोई। दैट्स वेयर आई लिव, तो वहीं पर रहता भी है भाई रॉकक्राफ्ट में। बहुत सही, तो ये तो अपने खुद ही लेकर चला जाएगा वहाँ पर, ठीक है गुड बाय। अरे भाई अपने अकेले में भाग रहा है, रुक जा रॉकर कर, रुक 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 कहाँ जा रहा है भाई, रुक जा। वट डू यू वॉन्ट, कह रहा है क्या चाहिए तुझे आपकी, डोंट यू वॉन्ट मी टू शो यू द वे। तो भाई कितना देखो जीभ निकाल के कह रहा है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ ना, कह रहा है ठीक है प्लीज आई कांट जस्ट लीव यू लाइक दिस। तो भाई अपना रॉकरफ भी अपनी मदद करना चाहता है इस बार। फार्ली कह रहा है अरे यार ठीक है चलो ठीक है, बट प्रॉमिस मी टू लीव मी अलोन एज सुन एज वी गेट देयर, कह रहा है लेकिन वादा करो कि मैं वहाँ पहुँचते तुम मेरे पीछे नहीं पड़ोगे। कह रहा है ठीक है भाई, एकदम जीभ निकाल के भाई मस्ती में लग रहा है एकदम रॉकरफ। इसका नाम रॉकी है, द नेम टू रॉकी बाय द वे, तो इसका नाम रॉकी भाई रॉकरफ का। रॉकी रॉकी भाई अपने टीम में आ गया, वो रॉकी द रॉकरफ ज्वाइन द पार्टी। तो भाई लगता है रॉकी भी अपने साथ आ गया आपकी, हाँ रॉक टाइप है भाई, बढ़िया है मेल पोकेमॉन है। इफर बॉल ऑफ ओवरवेलमिंग जॉय, तो बहुत खुश रहने वाला पोकेमॉन है भाई, खुश नुमा पोकेमॉन है। न्यू गेम प्ले मैकेनिक, ये क्या बता रहा है। अच्छा भाई प्रेस क्यू की टू स्विच बिटवीन कैरेक्टर इन द ओवर वर्ल्ड, ओके नोट दिस डज नॉट अफेक्ट द पार्टी ऑर्डर, इफ़ यू स्विच टू रॉकी यू कैन रन। अच्छा भाई हम लोग अगर क्यू बटन से हम लोग रन कर सकते मतलब वो पार्टी चेंज कर सकते हैं, तो क्यू बटन कहाँ पे है ये, ओ हो मैं तो रॉकी बन गया भाई। और जरा एक मिनट देख लेता हूँ पोकेमॉन को अपने, अपने पास रॉकी है फार्ली है। रॉकी लेवल 19 का है यार, बहुत सही। तो चलते हैं भाई आगे हम, लेकिन यार मैं फार्ली बन के जाऊँगा ठीक है। तो क्यू बटन कहाँ है मेरा, ये रहा, चलते हैं भाई आगे। ग्रीन लीफ फॉरेस्ट भाई यहाँ पर भी एक नया कट सीन या फिर कैसे तुम लोग स्टोरी शुरू होने वाली है, लेकिन आज की वीडियो में यहीं तक रखूँगा भाई, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आगे पता नहीं कितनी लंबी स्टोरी भी चले। तो हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में देखते हैं क्या होने वाला है। अभी अपना ये प्रोलॉग का चैप्टर 1 समझो इसको है एक तरीके से, क्योंकि प्रोलॉग ही इतना बड़ा है भाई, मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन ही इतना बड़े तरीके से भी चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो तुम लोग भाई वीडियो पर लाइक ज़रूर करना अगर अभी तक बने हुए हो तो, और सब्सक्राइब करना भाई, ऐसे नए नए गेम्स मैं और भी लाता रहूँगा अब डेली डेली नहीं मतलब रेगुलरली लाता रहूँगा, हर 2-3 दिन में कोई ना कोई गेम प्ले लाता रहूँगा। जुड़े रहना भाई एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट भाई, इतना मैसेज करने के लिए इतना बुलाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं गेम को भाई यहीं कर लेता हूँ सेव, कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग साथ में ठीक है। एक सेकेंड सेव का बटन कहाँ पर है, तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली बार, ओके।